गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर ऋषिकेश जा रहे हैं और आज एक कैफे से रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाएंगे और फिर वहां का व्यू भी देखेंगे। रिवर साइड व्यू है तो उसके बारे में मैं डिटेलिंग में आगे आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं ऋषिकेश और आज मैं रूट नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि रूट हमेशा एक ही है, अलग नहीं है। बाकी वहाँ की लोकेशन और वहाँ का जो फूड की क्वालिटी है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं हम लोग। आप ये देख सकते हैं मैं ऋषिकेश में हूँ और जहाँ एम्स का रास्ता है, एम्स हॉस्पिटल का, उस वाले रूट पे हूँ मैं। यहाँ से चौक से मुश्किल से आप हार्डली 50 मीटर इधर आएंगे एम्स की तरफ, तो एक ये एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं गेट, यहाँ से आपको अंदर जाना है और सामने ही हाइड आउट कैफे है। आइए मैं दिखाता हूँ। गाइस आप लोग यहाँ गाड़ी लगा सकते हैं पार्किंग। चलो हाँ, अब हम लोग अंदर आ चुके हैं इस गली के और ये देखिए ये एंट्रेंस है। ये है हाइड आउट कैफे, जैसा इसका नाम है वैसा ही एंट्रेंस है इसका। आइए देखते हैं। रिवर साइड व्यू है इसका, आइए मैं दिखाता हूँ आगे आपको। रेट्स
ऑल ओवर तो सही है और वैरायटीज भी काफी हैं इनके पास। व्यू कैसा लगा आपको? व्यू अच्छा है काफी, और मेन जो मुझे पसंद आया है यहाँ पर, जो यहाँ पर गंगा नदी बह रही है वो बहुत बढ़िया व्यू लगा। ये रेस्टोरेंट उसके पास है और हम यहाँ बैठे हैं और बहुत ही प्यारा व्यू है। और अब ये है कि व्यू बहुत प्यारा लगा हमें। अब खाना खा के देखते हैं, बाकी अब खाने का टेस्ट देखते हैं यहाँ कैसा है। मैंने तो इसमें की साथ में विद आइसक्रीम लिया है, ये देखते हैं आप। और पीने में बहुत मजा है, ठंड में तो आइसक्रीम का मजा ही अलग है। शिवा जी आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पिया नहीं मैंने, पिया क्या लगता है? सर आप बताओ। बहुत ही अच्छा, मजा आ गया। आपका कौन सा फ्लेवर? हेजलनट। पैसा वसूल। पैसा वसूल। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, ये है चॉकलेट शेक। सर आप ये सैंडविच ले रहे हैं ट्रिपल लेयर में, जैसे मैं दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को, क्या था इसका टेस्ट? बहुत मस्त, बढ़िया, बहुत ही उम्दा स्वाद है। गाइज ये है सिंगापुरी नूडल, आप देख सकते हैं। अब हम लोग खाएंगे तो पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है, कुछ हट गया है। निकाल दिए सर। मेन चीज़ जो मुझे पसंद आई है, जो मैं सोचा ये इसमें अच्छी चीज़ लगी है, वो है कि इसमें इन्होंने नूडल्स में भी इसमें रेडिशपन है जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी जो आप देख सकते हैं टमाटर भी बड़े स्टाइल से इसमें काटे गए हैं, और ओवर मतलब चीज़ बहुत बेहतरीन लगी है। इनका जो बनाने का तरीका है, देने का सर्व करने का तरीका है, और टेस्ट भी अच्छा है। और टेस्ट तो खैर अच्छा है ही, यानी आप चाहेंगे कि लोग आके यहाँ पर? मैं चाहूँगा कि यहाँ पर लोग आके एक बार अपना एक्सपीरियंस लें यहाँ का, तो उनको यहाँ पर अच्छा लगेगा। सर आप क्या राय देते हैं? बहुत ही मस्त है, और स्पाइसेस बहुत ही कम रखे हुए, ऑयल वगैरह काफ़ी कम है, टेस्ट वगैरह काफ़ी बेस्ट है। तो आप रेकमेंड करेंगे लोगों को कि आए यहाँ? हाँ, आप एक बार आके जरूर विजिट करो, आपको मजा आएगा। प्राइस भी अच्छा सा है और क्वांटिटी भी काफ़ी सही तरीके से। और व्यू? व्यू? व्यू कैसा लगा आपको? व्यू तो आपको बताइए, एज ऑलवेज हमारा व्यू जो रहता है वो बेस्ट ही रहता है। ये है सिजवान फ्राइड राइस, अब इसको ट्राई करेंगे हम लोग। और उसके साथ हमने लिया है चिली मशरूम। प्रिपरेशन अच्छी है, अब टेस्ट कैसा होगा? बाकी में फ्रेंड्स लोग रिव्यू देंगे इस चीज़ का। दो सर जो खाने से पहले तो जो रिव्यू है, तो रिव्यू तो ये है कि इस रेस्टोरेंट में जो भी हमने मंगवाया वो बहुत बढ़िया, उसके टेक्सचर्स बहुत बढ़िया है, उनका देने का प्रिपरेशन, देने का स्टाइल, बनाने का प्रिपरेशन, उसमें टेक्सचर्स बहुत बढ़िया लगे हमें, यूनिक है। आप आइए यहाँ, तो इसमें हमें मन से ही इसमें इच्छा हो रही है कि मुझे खाएं, जल्दी से खाएं, हमें से इंतजार नहीं हो रहा है इसमें। तो गाइस ख्याल में हम सिखाते हैं और बात बाकी बात बाकी।
नहीं रियली बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत बढ़िया, टेक्सचर बहुत बढ़िया है, और जो भी प्रिपरेशन की है इन लोगों ने वो थोड़ा चाइनीज से थोड़ी सी हटके है पर अच्छी है। तो मैं इसको 10 out of 10 दूंगा, और बाकी आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं जब आए यहाँ, और बहुत ईजली है, आप ऋषिकेश में आ सकते हैं, एम्स वाली रोड पे है और रिवर साइड व्यू, और ईजली आप गूगल मैप पे सर्च करके आ सकते हैं, आप हाइड आउट कैफे में आ सकते हैं और बहुत ईजली आ सकते हैं। तो आइए यहाँ ट्राई कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन आपके बगल में है, बेल आइकन को दबाएंगे, ऑल नोटिफिकेशन को देंगे तो मेरी सारी अपकमिंग वीडियोज आपको मिलेगी, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, और हम लोग दोस्त लोग भी और आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएंगे आप लोगों के लिए। अभी तो फिलहाल हम लोग कैफे से रिलेटेड बना रहे हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रैकिंग और एक्सप्लोरिंग के लिए कौन सी जगह हम लोग फाइनलाइज करेंगे। तब तक के लिए सी यू और कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। गाइस अभी हमारा फ्यूचर एज प्रेजिडेंट तो नहीं, पर हो सकता है कि हम हफ्ते 10 दिन में मसूरी, क्योंकि हम देहरादून के रहने वाले हैं तो यहाँ पर मसूरी है, मसूरी में अब बर्फ़ पड़ने वाली है, तो हो सकता है कि चांसेस है कि हम मसूरी जाएं और आपको बर्फ़ का के बारे में बर्फ पड़ते हुए दिखाएं, वहाँ पर इंजॉयमेंट कर लेते हुए दिखाएं और वहाँ के नए नए लुक दिखाएं आपको, मसूरी पहाड़ों की रानी। पर अभी पढ़ने में एक हफ्ता है, अभी टाइम है, मगर जब भी पड़ेगी हमारे पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको वहाँ की व्यू दिखाएं, और इस बार कुछ इंटरनली दिखाएंगे और बहुत मजेदार दिखाएंगे।